हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किस्मत। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक व्यूअर ने मुझे एक क्वेश्चन किया है कि हाइबस के अंदर जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर कितने दिन में डिलीवरी होता है। ठीक है, तो कितने दिन में डिलीवरी होता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाइबस के अंदर दो तरह की प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट और एक नॉर्मल जो इंडिया का प्रोडक्ट होता है। ग्लोबल प्रोडक्ट मतलब कि वो इंडिया का फॉरेन कंट्री से आते हैं, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो गया ग्लोबल प्रोडक्ट। और जो लोकल प्रोडक्ट है वो इंडिया का मैन्युफैक्चर है, इंडिया के अंदर ही वो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो वो लोकल प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट है वो आप ऑर्डर करोगे तो वो लगभग 18 से 25 दिन लग जाते हैं वो डिलीवरी होने में, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। ठीक है, वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, सेलर कितने दिन में वो डिस्पैच करते हैं। आज आपने ऑर्डर किया है और एक घंटे के अंदर डिस्पैच हो चुका है, वह शिप भी हो चुका है, तो वो जल्दी से वो डिलीवरी हो जाएगा। तो नॉर्मल जो इंडिया का जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सेलर जो सेल करते हैं, क्या होते हैं वो प्रोडक्ट आप लगभग 7 डेज के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर वो डिलीवरी हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर जो सेलर सेल करते हैं वो सेलर के पास वो प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं 4 से 5 दिन वो टाइम ले लेते हैं कभी कभी वो डिस्पैच करने में। तो इसी वजह से वो क्या होते हैं कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाते हैं, कभी कभी वो कम भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि 4 से 5 दिन के अंदर कोई प्रोडक्ट आ जाते हैं, ये नहीं है कि ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए वो जब भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो आप मान लो कि मिनिमम वो 10 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं होंगे। ठीक है, 10 दिन तो लगेगा। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं लेकिन वो जल्दी से कोई प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ है। ठीक है, वो टाइम ज़्यादातर लेते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स के कभी कभी टाइम तो लग जाते हैं, जैसे कि मैंने एक बिरा सेट ऑर्डर किया है तो वो प्रोडक्ट अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है, वो 1.5 महीना हो चुका है। तो डिलीवरी टाइम ऐसा लगता है फ्रेंड्स, तो आप भी ट्राई करो, आप भी ऑर्डर करो तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन लगते हैं। ठीक है, कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी कभी वो टाइम भी लेते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा टाइम लगते हैं जो ग्लोबल प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं आता हूँ, किसी एक प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वो साइज़ उसका गलत है आ गया है, रॉन्ग साइज आ गया है, कलर भी ठीक ठीक नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसी वजह से आप रिटर्न करना चाहते हो। तो रिटर्न करने के लिए आप रिटर्न बुक कैसे कर सकते हो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, तो वो आइकन बटन में क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। तो वो रिटर्न बुक करने के बाद भी आपको एक प्रोसेस करना होता है जो पिकअप रिक्वेस्ट, क्योंकि वो कुरियर बॉय आपके घर आएगा, उस वो प्रोडक्ट ले जाएगा, उसका एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप रिटर्न बुक करोगे तो रिटर्न बुक करने के बाद वो सेलर के पास वो नोटिफिकेशन जाता है, सेलर वो देखते हैं, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करते हैं। इस एक्सेप्ट करने के बाद ही एक छोटा सा प्रोसेस जो मैंने गलती कर दिया था वो मैंने बताया नहीं, तो वीडियो आप देख सकते हो कैसे वो रिटर्न बुक कर सकते हैं। रिटर्न बुक करने के बाद ही वो सेलर के पास जाते हैं, सेलर के पास जाने के बाद वो अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद ही आपको दोबारा वहाँ पर जाके कंटिन्यू रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हो, बहुत ही आसान है, वो उसमें कुछ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और आप तब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, एक बात के फ्रेंड्स क्या बताऊँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने के लिए रिफंड में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक दो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था, एक का पैसा मुझे मिल गया है और एक प्रोडक्ट है जो 2 महीना हो चुका है पावर बैंक का, तो अभी तक मुझे वो रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जब रिटर्न आप करोगे तो सेलर के पास प्रोडक्ट जाएगा, उसके बाद ही वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। मतलब आप सोच सकते हो कि जो सेलर सेल कर रहा है, ठीक है, यानी आप वेस्ट बंगाल के अंदर हो और कोई कर्नाटक से वहाँ से प्रोडक्ट कोई सेलर सेल कर रहा है, ठीक है, हाइबस के अंदर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, वो प्रोडक्ट आपके पास आया है, वो प्रोडक्ट आप दोबारा रिटर्न करना चाहते हो, रिटर्न कर दिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट सेलर के पास कर्नाटक जाएगा, कर्नाटक जाने के बाद देखेगा, इंक्वायरी करेगा, उसके बाद 4 से 5 दिन लगेगा रिफंड करने में। ठीक है, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं रिफंड करने में। लेकिन 0.01 हो गया, मीशो हो गया, ग्लो रोड हो गया, वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी आपको रिफंड कर देते हैं। ठीक है, टाइम नहीं लेते, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर वो पिकअप, जब वो आपका पिकअप हो जाता है उसके बाद 2 से 3 दिन लेते हैं और आपका रिफंड कर देते हैं, बहुत ही जल्दी कर देते हैं। तो इसी वजह से हाइबस के अंदर लोग ज़्यादातर सेल नहीं करते, काम नहीं करते हैं, यही एक रीजन है। और मैंने आपको बता दिया कि टाइम कितने दिन लेते हैं और रिटर्न पॉलिसी प्रॉब्लम है और रिफंड करने में क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो आए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आएंगे तो जरूर शेयर, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।